वेलकम टू मॉलिक्यूल। हेलो एवरीवन, टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज आरएनए इंटरफेरेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है आरएनए इंटरफेरेंस। तो आइए शुरू करते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस, इसको शॉर्ट में आरएनएआई कहते हैं। आरएनएआई एक एवोल्यूशनरी कंजर्व मैकेनिज्म है जो कि लिविंग सेल के अंदर होता है, विच सेलेक्टिवली टारगेट स्पेसिफिक एमआरएनए। इसका टारगेट कोई स्पेसिफिक एमआरएनए होता है और इस एमआरएनए को वो आरएनएआई या तो ब्रेक डाउन कर देता है या तो इससे बाइंड करके इसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। दिस प्रोसेस अकर इन ओनली यूकैरियोट्स, बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आरएनएआई सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में ये मैकेनिज्म एब्सेंट है, लेकिन आरएनए इंटरफेरेंस की जगह पे एक फंक्शनली इक्विवेलेंट मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है जिसको क्रिस्पर कैस कहते हैं। तो आरएनएआई का टारगेट है कोई स्पेसिफिक एमआरएनए, वो उस एमआरएनए को टारगेट करता है और या तो उस एमआरएनए को ब्रेक डाउन कर देता है या तो प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, ट्रांसलेशनल इनहिबिशन। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि उस एमआरएनए से पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। नॉर्मली सेल के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, लेकिन अगर किसी भी तरह डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर तो ये एक वेरी डेंजरस सिचुएशन होती है और इससे आरएनएआई पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। आरएनएआई वर्क करता है एट ट्रांसलेशनल लेवल, दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। आरएनएआई ट्रांसलेशन के लेवल पे वर्क करता है, प्रोटीन को नहीं बनने देता और इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। आरएनएआई का टारगेट मोस्टली होता है वायरसेस के आरएनए एंड ट्रांसपोसोन्स। तो आरएनए जो है वायरसेस के और ट्रांसपोसोन्स इनका मेनली टारगेट है। तो तीन आरएनए मेनली, एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, एसएचआरएनए, माइक्रो आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, शॉर्ट हेयरपिन आरएनए, ये तीन सेंट्रल रोल प्ले करते हैं इन आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे और इन तीनों का प्रिकर्सर होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जब बनता है तो या तो एमआईआरएनए बन सकता है या एसआईआरएनए बन सकता है या एसएचआरएनए बन सकता है। इन तीनों में कोई भी आरएनए बन गया तो वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर देता है। साइलेंस का मतलब या तो प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेगा या तो उस पर्टिकुलर एमआरएनए को वो ब्रेक डाउन कर देगा। रोल ऑफ आरएनएआई, रोल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डिफेंस में, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय वायरसेस। मान लिए कि किसी को वायरस इन्फेक्शन हुआ, अब उस वायरस इन्फेक्शन की वजह से जो वायरस का एमआरएनए है वो कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहा था, उस प्रोटीन की वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे थे बॉडी को, तो आरएनएआई क्या करेगा, वो स्पेसिफिक उस एमआरएनए को टारगेट करेगा, उसको डिग्रेड करेगा या वो प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक कर देगा। तो प्रोटीन बनेगी नहीं जिसका हार्मफुल इफेक्ट हो रहा था और इस तरह से बॉडी डिफेंस करेगी अगेंस्ट वायरसेस। तो सेकेंड है प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्रांसपोसोन। ट्रांसपोसोन मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, ये बाहर से भी आ सकते हैं और खुद के भी होते हैं जीनोम में। तो ये ट्रांसपोसोन्स से प्रोटेक्ट करता है आरएनएआई, उसके पर्टिकुलर एमआरएनए को टारगेट करके उसको डिग्रेड कर देता है। प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ जीनोम। कोई सेल है उसके अंदर प्रोटीन बन रही है जिस प्रोटीन का नीड नहीं है बॉडी को, मान लीजिए तो उस प्रोटीन को कोई पर्टिकुलर एमआरएनए बना रहा होगा। अब आरएनएआई क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एमआरएनए को सेलेक्ट करेगा और उसको डिग्रेड या उससे प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा। इस तरह से ये मेंटेन करेगा जीनोम को। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, किसी पर्टिकुलर एमआरएनए को साइलेंस कर देगा जिसका नीड नहीं है बॉडी में और इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। प्ले अ रोल इन सेल डेथ एंड डिफरेंशिएशन। आरएनएआई का रोल सेल डेथ और डिफरेंशिएशन में भी बहुत ज्यादा है। अब देख लेते हैं एंजाइम इन्वॉल्व इन आरएनएआई। आरएनएआई में कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं जो इस पाथवे को आगे बढ़ाते हैं और इस मैकेनिज्म से किसी स्पेसिफिक एमआरएनए को डिग्रेड या प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करवा देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है डाइसर। डाइसर यूज होता है टू प्रोड्यूस एमआईआरएनए, एसआईआरएनए एंड एसएचआरएनए। इट इज अ टाइप 3 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये टाइप 3 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, स्पेसिफिक है डबल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए और ये वर्क करता है इन साइटोप्लाज्म। आरएनएज 3 एंडोन्यूक्लियस मतलब आरएनएज 3
एंजाइम किसी स्पेसिफिक डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे बाइंड करते हैं और उनके दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देते हैं। एंडोन्यूक्लियस का मतलब है मिडिल या आसपास, मिडिल के आसपास से कट करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस होता तो इसका मतलब होता टर्मिनल एंड्स पे कट करते हैं। एंडोन्यूक्लियस मतलब मिडिल या मिडिल के आसपास से कट करते हैं। और आरएनए 3 है तो ये दोनों स्ट्रैंड डबल स्टैंडर्ड के आरएनए के कट करेगा। तो ये स्पेसिफिक डाइसर एक एंजाइम है जो कि स्पेसिफिक है बाइंडिंग के लिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए के, और ये वर्क करता है ओनली इन साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। इसका फंक्शन यही है कि डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स को प्रोसेस करके siRNA बनाना, miRNA बनाना, shRNA बनाना, डिफरेंट डबल स्टैंडर्ड आरएनए को प्रोसेस करके। सेकेंड इंपॉर्टेंट एंजाइम है आर्गेनॉट, जिसको AGO कहते हैं। इट हैज आरएनएज एच एक्टिविटी, इसके पास आरएनएज एच एक्टिविटी होती है। आरएनएज एच एक्टिविटी मतलब ये किसी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को कट कर सकता है, किसी पर्टिकुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को ये कट करता है। ये बाइंड करता है आर्गेनॉट डबल स्टैंडर्ड आरएनए से और कट करता है ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कोई स्पेसिफिक एमआरएनए। इसके पास एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है तो ये मिडिल या मिडिल के आसपास से ये कट करता है और वर्क करता है आर्गेनॉट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। आर्गेनॉट के पास दो डोमेन होते हैं, एक डोमेन होता है पीवी डोमेन और दूसरा होता है पैज डोमेन। पीवी डोमेन के पास इसके आरएनए एक्टिविटी होती है जो कि बाइंड करता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए से लेकिन कट करता है ओनली सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए को। पैज डोमेन क्या करता है, पैज डोमेन इस हेल्प करता है बाइंडिंग टू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जिसको गाइड स्ट्रैंड कहते हैं। तो पैज डोमेन आर्गेनॉट को बाइंड कराता है किसी स्पेसिफिक आरएनए से, और पीवी डोमेन के पास आरएनए एच एक्टिविटी होती है और ये क्लीवेज या स्प्लाइसिंग में मदद करता है। तीसरा एंजाइम है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोशा। इट एक्ट एज डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्पेसिफिक आरएनए 3 टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये भी एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्पेसिफिक एंजाइम है, टाइप 3 फैमिली का मेंबर है। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है इसके पास भी, इसका मतलब है ये भी मिडिल या मिडिल के आसपास से कट करता है। और ये प्रेजेंट है एंजाइम मैमल्स में और वर्क करता है इन न्यूक्लियस। ये एंजाइम सिर्फ न्यूक्लियस में वर्क करता है और प्रेजेंट है मैमल्स में। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस प्री miRNA फ्रॉम प्राई miRNA। ये प्रोसेस करता है प्राई miRNA को और प्रोड्यूस कर देता है उससे प्री miRNA। चौथा एंजाइम है आपका, एंजाइम का ये कॉम्प्लेक्स है जो कि मिलके बनता है कुछ प्रोटीन से, जिसको कहते हैं RISC, RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये मेडअप ऑफ होता है दो या तीन प्रोटीन से इंपॉर्टेंट, जिसमें की मेन प्रोटीन होती है आर्गेनॉट, प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये हर एनिमल और प्लांट में प्रेजेंट है और एवोल्यूशनरी कंजर्व प्रोटीन है ये। अदर प्रोटीन हो सकती है स्प्लाइसर, स्पेसिफिक है ओनली इन केस ऑफ सी एलिगेंस। इसके अलावा स्प्लाइसर के अलावा कोई और भी हो सकती है। तो आर्गेनॉट और स्प्लाइसर दोनों मिलके बनाते हैं RISC, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आर्गेनॉट के पास आरएनए एक्टिविटी है जो आपने देखा था, स्प्लाइसर के पास कौन सी एक्टिविटीज है, आरएनए 3 टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है इसके पास, मतलब डबल स्टैंड से बाइंड करेगा ये डबल स्टैंड आरएनए से, और एंडोन्यूक्लियस मतलब मिडिल या मिडिल के आसपास से ये कट करेगा। RISC सेलेक्ट टारगेट mRNA स्पेसिफिकली एंड साइलेंस देम। RISC का काम क्या है, RISC का काम है किसी स्पेसिफिक mRNA को सेलेक्ट करना और उसको कट कर देना। तो RISC binds to double stranded RNA, पहले उसको RISC bind करेगा double stranded RNA से किसी, उसको unwind करेगा, एक strand release कर देगा, जो release strand होगा उसको कहेंगे passenger strand, जो के बाद में degrade हो जाएगा। अब RISC bound रहेगा किसी एक strand से, उसको कहेंगे guide strand। अब ये किस domain से bind रहेगा, pass domain से, guide strand से। That will go and attach to target mRNA. और guide strand का काम क्या है, किसी specific mRNA की तरफ RISC को target करना complementary sites पे। तो RISC जब bind कर जाता है guide strand से, तो ये guide strand उसको किसी specific mRNA की तरफ target करता है। Complementary sequences पाए जाते हैं guide strand में, जो के mRNA में भी होंगे। जब ये complementation achieve हो जाता है, तो RISC mRNA को silence कर देता है by cleaving it। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है splicer type 3 RNAs है, argonaut protein है,
ये आरएनए एच एक्टिविटी है, तो ये बाइंड किया किसी डबल स्टैंडर्ड आरएनए से। एक पैसेंजर स्ट्रैंड है, एक गाइड। इसके बाइंड होते ही पैसेंजर स्ट्रैंड रिलीज हो गया और डिग्रेड हो गया। अब ये बाइंड रहता है गाइड स्ट्रैंड से और रिस्क एक्टिव हो जाता है। ये गाइड स्ट्रैंड गाइड करता है और टारगेट करता है इसको किसी स्पेसिफिक एमआरएनए की तरफ, और फिर ये आर्गनॉट और स्प्लाइसर मिलके उस पर्टिकुलर एमआरएनए को क्लीव कर देते हैं। तो मेन आरएनए आई में रोल है आर्गनॉट प्रोटीन का। ये प्रोटीन स्पेसिफिक है, कंजर्व्ड है, और किसी पर्टिकुलर एमआरएनए को ये कट कर देती है। तो आइए देख लेते हैं अब मैकेनिज्म को आरएनए इंटरफेरेंस की, जिसमें सबसे पहले एमआईआरएनए मीडिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस, एमआईआरएनए माइक्रो आरएनए। सबसे पहले ये जान लेते हैं इसका सोर्स क्या, ओरिजिन क्या है। एमआईआरएनए का ओरिजिन सिर्फ एंडोजिनस होता है, एक्सोजिनस ओरिजिन नहीं होता है। मतलब बॉडी में इसके जीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब ट्रांसक्राइब होते हैं, जब आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड 3 इसको ट्रांसक्राइब करते हैं, तो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है लीनियर। इसके पास कैपेबिलिटी होती है अपने ही आप में फोल्ड होने की, लेकिन क्योंकि इम्परफेक्ट बेस पेयरिंग की वजह से ये फोल्ड होता है, तो इनकम्प्लीट बेस पेयरिंग की वजह से ये हेयर पिन स्टेम लूप स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लेता है, जिसे कहते हैं प्राई एमआई आरएनए, जो अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। अब ये जो हमारा बना प्राई एमआई आरएनए, इसमें कई लूप्स होते हैं हेयर पिन के, स्टेम लूप्स, स्ट्रक्चर्स। इन पे अब एंजाइम्स कुछ न्यूक्लियस में वर्क करते हैं, जिसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रोशा एंड डीजीसीआर8 इन केस ऑफ मैमल्स। अगर यहाँ पे ड्रोसोफिला होती तो इन डीजीसीआर8 की जगह यहाँ पे एंजाइम होता पाशा। ड्रोशा और डीजीसीआर8 को माइक्रो प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जो कि प्राई एमआई आरएनए को प्रोसेस करके प्री एमआई आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। प्री एमआई आरएनए 70 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है अप्रोक्सीमेटली। ड्रोशा एक आरएनए 3 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे बाइंड करता है और अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड कट कर देता है प्राई एमआई आरएनए के, इसको कन्वर्ट कर देता है प्री एमआई आरएनए में। अब प्री एमआई आरएनए हमारा न्यूक्लियस में बन गया है, अब ये एक्सपोर्ट हो जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, लेकिन ये अपने आप एक्सपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोटीन होती है एक्सपोर्टिन 5, जो कि हेल्प करती है प्री एमआई आरएनए के एक्सपोर्ट में फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म में आ चुका है प्री एमआई आरएनए, जो अप्रोक्सीमेटली 70 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। अब यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है इस पे डाइसर, जो कि एक आरएनए 3 टाइप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। आरएनए 3 टाइप मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्पेसिफिक, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे ये बाइंड करता है, और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है तो ये मिडिल या मिडिल के पास से कट करता है। तो डाइसर इसको कट करता है, उसके सारे स्टेम लूप्स, हेयर पिन लूप्स सब निकाल देता है और एमआई आरएनए डुप्लेक्स में इसको कन्वर्ट कर देता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। एमआई आरएनए स्टार डुप्लेक्स की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे इसमें 5' पे मोनोफॉस्फेट होता है दोनों तरफ और 3' पे 2 न्यूक्लियोटाइड का ओवरहैंग होता है दोनों तरफ। अब जब ये एमआई आरएनए डुप्लेक्स हमारा बन गया तो ये रेडी है लोड होने के लिए रिस्क पे। तो यहाँ पे कोई रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए, रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डाइसर और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, जो कि इसको एमआई आरएनए डुप्लेक्स को रिस्क पे लोड कर देती हैं। जब ये रिस्क पे लोड हो जाता है तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो इसका है, तो एक स्ट्रैंड को इसके कहते हैं पैसेंजर स्ट्रैंड, दूसरे को कहते हैं गाइड स्ट्रैंड। रिस्क जो है हमारा उसमें 2 या 3 प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्गनॉट एंड स्प्लाइसर। आर्गनॉट हमारी आरएनए एच टाइप प्रोटीन है, जो कि बाइंड करती है डबल स्टैंडर्ड आरएनए से, लेकिन कट करती है ओनली सिंगल स्टैंड ऑफ आरएनए। स्प्लाइसर टाइप 3 आरएनए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो कि सी एलिगेंस में ही सिर्फ पाई जाती है। तो ये जब स्प्लाइसर इस के ऊपर ये लोड हो जाता है एमआई आरएनए डुप्लेक्स, जिसको डाइसर और प्रोटीन्स मिलके लोड कराती हैं, जैसे R2D2 एक प्रोटीन है जो कि डाइसर के साथ मिलके इसको लोड कराती है। तो ये जब लोड हो जाता है रिस्क पे, तो रिस्क इसकी अनवाइंडिंग कर देती है सबसे पहले, और अनवाइंडिंग के बाद पैसेंजर स्ट्रैंड इसका जो है वो रिलीज हो जाता है और डिग्रेड हो जाता है, और सिर्फ गाइड स्ट्रैंड रहता है जो कि पैस डोमेन से आर्गनॉट के बाइंड रहता है। अब सिर्फ गाइड स्ट्रैंड बचा और रिस्क कॉम्प्लेक्स बचा, तो इसकी वजह से कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आता है रिस्क प्रोटीन्स में और रिस्क प्रोटीन्स एक्टिव हो जाती हैं, उनका पीवी डोमेन आर्गनॉट का एक्टिव हो जाता है, जो आरएनएज एच एक्टिविटी करता है।
तो गाइड स्ट्रैंड को मैच्योर mRNA भी कहते हैं। तो गाइड स्ट्रैंड और एक्टिव रिस्क कॉम्प्लेक्स बन गया है अब हमारा। अब इस गाइड स्ट्रैंड का फंक्शन है स्पेसिफिक mRNA को ढूंढना, कॉम्प्लीमेंट्री हो जो, तो गाइड स्ट्रैंड अपने कॉम्प्लीमेंट्री किसी स्पेसिफिक mRNA को ढूंढता है, उससे जाके बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद उसको कट कर देता है, ब्लॉक कर देता है उसकी प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे दो केसेस हैं, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटेशन या इनकम्प्लीट कॉम्प्लीमेंटेशन। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन इनकम्प्लीट हुआ, जो कि इन केस ऑफ एनिमल्स होता है, तो यहाँ पे आर्गेनॉट mRNA को कट नहीं करता, ट्रांसलेशन को ब्लॉक करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स जो कि कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटेशन होता है mRNA का mRNA से, तो इस केस में क्या होता है, आर्गेनॉट क्लीव कर देता है mRNA को, ब्रेक डाउन कर देता है mRNA को। ये सब प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, और इससे जीन साइलेंसिंग अचीव हो जाती है ऐसे, और mRNA अपना वर्क ऐसे करता है। तो दूसरा है हमारा siRNA मीडिएटेड RNA इंटरफेरेंस। siRNA मतलब स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं siRNA का ओरिजिन क्या है। siRNA का ओरिजिन एंडोजेनस भी हो सकता है, एक्सोजेनस भी हो सकता है, लेकिन mRNA का ओरिजिन सिर्फ एंडोजेनस होता है। तो अब ये देखते हैं siRNA बनता कैसे। तो RNA पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्रिप्शन करके सिंगल स्टैंडर्ड RNA बनाता है। ये जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, ये किसी अपने कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे सिंगल स्टैंडर्ड RNA से बाइंड कर जाता है और लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड RNA बना देता है। तो एक तो ये पॉसिबल वे है। दूसरा पॉसिबल वे है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA किसी वायरस के सिंगल स्टैंडर्ड RNA से बाइंड कर जाए, कंबाइन कर जाए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से, और लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड RNA बना दे। तीसरा पॉसिबल वे ये है कि DNA के दोनों एंटीसेंस और सेंस दोनों स्ट्रैंड एक साथ ट्रांसक्रिप्शन हो जाए और डबल स्टैंडर्ड RNA बन जाए। तो ये तीनों पॉसिबल वेज हो सकते हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड RNA बन गया हमारा न्यूक्लियस में। अब ये लॉन्ग जो डबल स्टैंडर्ड RNA बना है हमारा न्यूक्लियस में, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। लेकिन ये एक्सपोर्ट ऐसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो एक प्रोटीन होती है एक्सपोर्टिन 5, जो कि इसकी हेल्प करती है एक्सपोर्ट होने में फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब ये लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड RNA जो हमारा है, ये आ गया है साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है डाइसर, जो कि स्पेसिफिक डबल स्टैंडर्ड RNA बाइंडिंग एंजाइम है, टाइप 3 RNAs एंडोन्यूक्लियस। तो ये जो RNAs टाइप 3 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाइसर जो है, ये डबल स्टैंडर्ड RNA पे बाइंड करता है और इसको मिडिल से कट कर देता है या मिडिल के पास से। तो ये डाइसर बहुत जगह से इसको काटता है डबल लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड RNA को, छोटे छोटे siRNA के डुप्लेक्सेस बना देता है साइटोप्लाज्म में। तो ये देखिए डाइसर ने क्लीव किया डबल स्टैंडर्ड RNA को और छोटे छोटे डुप्लेक्सेस siRNA के बना दिए, जिसमें एक siRNA का डुप्लेक्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20-25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। अब इसकी siRNA डुप्लेक्स की खासियत ये है कि इसके पास 5 प्राइम पे मोनोफॉस्फेट होता है दोनों तरफ, और 3 प्राइम पे तो न्यूक्लियोटाइड का ओवरहैंग होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है RNA इंटरफेरेंस पाथवे को शुरू करने के लिए। अब ये siRNA डुप्लेक्स बन गया, अब इसको लोड होना है RISC पे। तो यहाँ पे लोडिंग कौन कराएगा, यहाँ पे फिर डाइसर और दूसरा है R2D2 प्रोटीन, जो कि डबल स्टैंडर्ड RNA बाइंडिंग प्रोटीन है। ये दोनों मिलके RISC लोडिंग कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और इसको siRNA डुप्लेक्स को RISC पे लोड कर देती हैं। अब RISC इस पे लोड हो चुका है आपके siRNA डुप्लेक्स पे। अब इसका siRNA डुप्लेक्स का एक स्ट्रैंड कहलाता है पैसेंजर स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड कहलाता है गाइड स्ट्रैंड। तो RISC अब क्या करता है, अनवाइंडिंग कर देता है इस डबल स्टैंडर्ड RNA की और पैसेंजर स्ट्रैंड को रिलीज कर देता है और वो डिग्रेड हो जाता है, और RISC बाइंड रहता है गाइड स्ट्रैंड से, जो कि मैच्योर siRNA भी यहाँ पे कहलाता है। RISC का मतलब है RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, एक है आर्गेनॉट, एक है स्प्लाइसर, जो कि इन केस ऑफ सी एलिगेंसी होती है। आर्गेनॉट एक RNA ZH प्रोटीन है, जो कि बाइंड रहती है अपने पैस डोमेन से गाइड स्ट्रैंड से, और इसके पास एक PV डोमेन होता है जो कि RNA ZH एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। स्प्लाइसर टाइप 3 RNA है एंडोन्यूक्लियस है, जो सी एलिगेंस में ही होती है। अब ये स्ट्रक्चर बना देती है एक्टिव RISC मैच्योर siRNA कॉम्प्लेक्स का गाइड स्ट्रैंड से मिलके। जब ये बन जाता है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा बन जाता है गाइड स्ट्रैंड और RISC का, तो गाइड स्ट्रैंड का फंक्शन फिर होता है सर्च करना कॉम्प्लीमेंट्री mRNA को, और ये सर्च करता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री mRNA से को और उससे बाइंड कर जाता है।
अच्छा, एस आई आर यानी कि खासियत ये कॉम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है mRNA से, और कंप्लीट कॉम्प्लीमेंटेशन होने की वजह से ये mRNA को क्लीव या ब्रेकडाउन ही करती हैं, कभी भी ट्रांसलेशन इनिबिशन नहीं करती। तो ये है siRNA का पाथवे, जिसमें जीन साइलेंसिंग siRNA mRNA से बाइंड करके अचीव करता है। और इसमें आर्गेनॉट प्रोटीन का मेन रोल है, जो कि miRNA को 20 से ब्रेकडाउन कर देती है। तो तीसरा है हमारा shRNA मीडिएटेड RNA इंटरफेरेंस। shRNA का मतलब है शॉर्ट हेयरपिन RNA। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं shRNA का ओरिजिन क्या है। shRNA का ओरिजिन सिर्फ एक्सोजेनस होता है, एंडोजेनस ओरिजिन नहीं होता। ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है लैब्स में इसके जीन्स, और किसी वेक्टर के जरिए किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। अब ये जब जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं न्यूक्लियस में, तो ये बनाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जिसके पास सेल्फ सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है। तो इसकी वजह से ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ये फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होके ये हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर बना देता है। ये डबल स्ट्रैंडेड RNA जो बना है हमारा, इसी को कहते हैं shRNA। अब ये shRNA ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एक्सपोर्टिंग 5। अब ये आ चुका है हमारा साइटोप्लाज्म में, ये हेयर पिन शेप है, डबल स्टैंडर्ड RNA है। अब यहाँ पे एक प्रोटीन, एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है डाइसर। ये RNA 3 टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो कि डबल स्टैंडर्ड RNA पे बाइंड करता है, उसको मिडिल या मिडिल के आसपास से कट कर देता है। तो जब डाइसर इस पे वर्क करता है shRNA पे, तो siRNA में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये siRNA का डुप्लेक्स है, जो एक दिखाया जा रहा है, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है ये, जिसके पास 3 प्राइम एंड पे 2 न्यूक्लियोटाइड का ओवरहैंग होता है, और 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है दोनों तरफ। जब siRNA का डुप्लेक्स बन गया, बाकी सब प्रोसेस सेम है siRNA के पाथवे से, तो ये डुप्लेक्स को लोड कर दिया जाता है रिस्क पे, जिसमें डाइसर और R2D2 प्रोटीन वर्क करती हैं। और रिस्क पे लोड होने के बाद रिस्क क्या करता है कि अनवाइंडिंग कर देता है एक स्ट्रैंड की, जो एक स्ट्रैंड रिलीज हो जाता है और डिग्रेड हो जाता है, उसको पैसेंजर स्ट्रैंड कहते हैं। दूसरा स्ट्रैंड जिससे रिस्क बाइंड रहता है, उसको कहते हैं गाइड स्ट्रैंड। अब ये गाइड स्ट्रैंड सर्च करता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री mRNA को, और जब कॉम्प्लीमेंट्री mRNA मिल जाता है, तो उससे ये बाइंड कर जाता है, और बाइंड करके उसका ब्रेकडाउन या डिग्रेडेशन करवा देता है। तो ये सिंपल पाथवे हैं तीनों, और तीनों ही वर्क करते हैं RNAi RNA इंटरफेरेंस में। तो आपने देखा कैसे miRNA, siRNA, shRNA वर्क कर रहे हैं RNA इंटरफेरेंस में जीन साइलेंसिंग करने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।